हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव, आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ज्योमेट्री का एक नया टॉपिक और एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुजों के शीर्ष लंब। आओ जानते हैं क्या होते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पर। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग इससे पहले तीन सेंटर के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, और अगर आप लोगों ने डायरेक्ट ये वाला वीडियो देखा है तो इसको यहाँ से क्लोज कीजिए और आप लोग फर्स्ट वीडियो पर पहुँचिए। मैं सभी चीज़ें बेसिक तरीके से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, लेकिन वो बेसिक आपका तभी क्लियर होगा जब आप लोग फर्स्ट वीडियो से देखोगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया आपको कि ज्योमेट्री पढ़ना कैसे है, और उसके बाद धीरे धीरे ट्रायंगल की शुरुआत की और हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये वाला वीडियो देखने के बजाय आप लोग देखिए अपना जो पहले वीडियोज़ हैं उनको आप लोग देखिए, फिर यहाँ पर पहुँचिए त्रिभुजों के शीर्ष लंब, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो और आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुजों के शीर्ष लंब। हम लोग ड्यूल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, हिंदी या इंग्लिश कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों लैंग्वेज में हम लोग लेकर चलेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश में सिर्फ ये इंग्लिश में याद होना चाहिए, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी नाम लंब आ जाता है, ओनली लंब लिखा हुआ आ जाता है, तो भी आपको एक बार ध्यान दे लेना है कहीं शीर्ष लंब भी तो नहीं है, कहीं पर एल्टीट्यूड ही तो नहीं है, ये बात हिंदी मीडियम वाले देख लेना। सबसे पहली बात कि ये एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब होता क्या है। पहला पॉइंट, एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब होता क्या है। एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन। एक ट्रायंगल ए बी सी है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी उसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब। किसी भी वर्टेक्स से, एक ट्रायंगल के तीन अपने पास वर्टिसेज होंगे, किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी उसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड या बोलते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का नाम हिंदी में कभी कभार ओनली लंब भी लिख सकता है, वैसे लंब या परपेंडिकुलर होता है ये वाला कि लाइन पर परपेंडिकुलर, शीर्ष से आना जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभार हिंदी के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे एसएससी के पेपर में देखे हैं जिनमें ओनली कभी कभार लंब ही नाम लिख देता है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। मैं फिर समझाता हूँ, मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोज़ अगर आपने देखे हैं तो आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पता होगा। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ एकदम जीरो से, एकदम बेसिक चीज़ों से, ऐसा मानकर चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, और धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक जितना ज़्यादा बेसिक हो सकता है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पर, यहाँ से तीन वर्टिसेज अगर हैं तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, और इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड। और ध्यान रखना, एक ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग ऑर्थोसेंटर या लंब केंद्र। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये ऑर्थोसेंटर यानी कि लंब केंद्र के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो सभी लोग इस पर ध्यान दीजिए, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान रखिए, आज की क्लास में हम लोग ये समझेंगे। पहला मैंने बताया, मैंने कहा मैं ऐसा मानकर चलूँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, पहले मैं आप लोगों को बताया कि एल्टीट्यूड क्या होता है, फिर मैंने समझाया ऑर्थो सेंटर क्या होता है, अब इससे रिलेटेड धीरे 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 हम लोग बेसिक में घुसते हैं। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, कोशिश करना समझने की, इस प्रकार से है एक ट्रायंगल ए बी और सी, इस वर्टिसेज से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, और इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, अब ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर।
आप लोग मुझे बताइए, ये जो अपने पास यहाँ पर ध्यान दो, आपको समझाने के लिए एक बार मैं इसको हटा देता हूँ और दो चीज़ या तो बचपन में आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लीजिए। देखो ध्यान दो, एक क्वाड्रिलेटरल के एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, क्यों? एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम ऑलवेज 360 डिग्री होगा, क्यों? ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसके बीच से एक लाइन खींच लो, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो 360 डिग्री। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। आपको ये भी पता होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये दो चीज़ ध्यान रखना, नहीं पढ़ा अब पढ़ लो। लाइन और एंगल जब मैं पढ़ाऊँगा ये चीज़ें मैं आप लोगों को वापस बताऊँगा कि दो स्ट्रेट लाइन अगर हैं तो अपने पास वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो मुझे बताइए, मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल ए एफ ओ और ई की। ध्यान दो सभी लोग, हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल ए एफ और ई की बात कर रहे हैं, चतुर्भुज ए एफ ओ और ई। बताओ क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या 360 डिग्री होता है क्या? और यहाँ पर अपने पास ये 90 डिग्री है, ये अपने पास 90 डिग्री है, क्योंकि एल्टीट्यूड सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री, ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, तो 180 हो गया। तो क्या इन दोनों का सम भी 180 बचा क्या? क्योंकि चारों का सम कितना डिग्री होना चाहिए? 360, तो ये 90 90 180, तो इन दोनों का सम भी 180। इसको अगर एंगल ए माने तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 180 डिग्री माइनस ए। इसको अगर हम लोग एंगल ए माने और दोनों का सम हमें पता लग गया 180 है, तो ये वाला होगा 180 माइनस ए, और ये वाला एंगल अगर 180 माइनस ए है तो ध्यान रखना यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये 180 माइनस ए है तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना होगा? 180 माइनस ए। मैंने आपको समझाया ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल, अपने पास लंब केंद्र पर बना जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री माइनस ए। एक बार फिर समझाता हूँ, वापस से ध्यान देना बोर्ड पर, और इससे रिलेटेड कम से कम प्रीवियस ईयर्स के, पहले ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता था जब आसान क्वेश्चन बनते थे, आजकल थोड़ा बेसिक से पूछता है तो थोड़े कम क्वेश्चंस कर दिए हैं, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड सिर्फ एक पॉइंट से रिलेटेड कम से कम आपको 8 या 10 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे जब आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप लोग देखोगे। और पढ़ाने का तरीका आपको पता होगा, मैं बेसिक के साथ लेकर चलता हूँ, पहले आपको कंप्लीट थ्योरी में पढ़ाऊँगा ताकि आपको ये समझ में आए कि थ्योरी में है क्या क्या, और वो कंप्लीट थ्योरी पढ़ने के बाद आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इतनी चीज़ें हैं, और फिर आप लोग आसानी से समझ पाओगे क्वेश्चंस एक बार थ्योरी करने के बाद। एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर पर बना जो एंगल होता है एंगल बी ओ सी वो होता है 180 डिग्री माइनस ए। कैसे आया ये मैंने आप लोगों को इधर समझाया है, एक बार वीडियो को पीछे करके वापस देखिए। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया है, 90 90 180, इन दोनों का सम भी 180, ये ए है तो 180 माइनस ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, ये वाला जो एंगल होगा एंगल ए ओ सी बराबर अपने पास होगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी, और ऐसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं ये वाला जो एंगल होगा ए ओ बी बराबर होगा अपने पास 180 डिग्री माइनस एंगल सी। तो पहला जो पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया कि एल्टीट्यूड क्या होता है, दूसरा पॉइंट समझाया कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तीसरा पॉइंट मैंने समझाया ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस बी और 180 डिग्री माइनस सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आसान सा, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये एंगल अगर 70 डिग्री है तो बी ओ सी बताओ कितने डिग्री होगा, तो ये 70 है तो बी ओ सी जो एंगल आना है अपने पास, बी ओ सी ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा 110 डिग्री, 180 में से अगर 70 माइनस करोगे तो 110 बचेगा, तो बी ओ सी जो आ गया ये आ गया अपने पास 110 डिग्री। फिर समझाता हूँ आप लोगों को, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दो बोर्ड पर। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से है, फिर से ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की। यहाँ पर मैंने बताया दूसरा पॉइंट, और यहाँ पर इस प्रकार से एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल ए बी और सी है। यहाँ पर इसका ये एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड
और ये एल्टीट्यूड जहाँ पर, मुझे ये बताइए आपके दो एल्टीट्यूड तो हमें समझ में आता है कि एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि पैरेलल नहीं है, तीसरा एल्टीट्यूड भी यहीं से पास होगा, इसको आप लोग कैसे प्रूव करेंगे? मैं हमेशा 2012 से, मैं आपको ये ज्योमेट्री जब 2011 मेंस में आनी शुरू हुई थी और 2012 से मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, एडवांस मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ, और उस टाइम से मैं सिखाते हुए आ रहा हूँ कि इन जो एंगल बाइसेक्टर एक ही जगह इंटरसेक्ट क्यों करते हैं, एल्टीट्यूड एक ही जगह इंटरसेक्ट क्यों करते हैं, मीडियन एक ही जगह इंटरसेक्ट क्यों करते हैं और एल्टीट्यूड एक ही जगह इंटरसेक्ट क्यों करते हैं, ये चारों पॉइंट हमेशा मैं बताता हूँ। लेकिन क्वेश्चन इसका सिर्फ और सिर्फ एसएससी ने सिर्फ अभी तक इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा है कि एल्टीट्यूड एक जगह इंटरसेक्ट क्यों करते हैं, ये तो प्रूव करना तो नहीं आया, प्रूव करना एसएससी नहीं पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछा था वो मैं अभी समझाता हूं, पहले इस चीज को समझ लीजिए। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि तीसरा एल्टीट्यूड भी इधर से ही पास होगा, ये आप लोग कैसे प्रूव करोगे? तो ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ट्रायंगल है ए बी और सी, हम लोगों ने क्या किया, इसके पैरेलल और ए से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। यहाँ से एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है और इम्पोर्टेंट है, सभी लोग ध्यान देना बोर्ड पर और सीखने की कोशिश करना, बीसी के पैरेलल और ए से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचेंगे, ऐसे ही इसके पैरेलल और बी से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचेंगे और ऐसे ही हम लोग इसके पैरेलल और यहाँ से सी से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचेंगे। इन पॉइंट्स का नाम मान लीजिए, हम लोग देते हैं ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट आर है। कोशिश करना समझने की, हम लोग P, Q और R के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इसका एल्टीट्यूड ले लीजिए आप लोग, ये इसके पैरेलल है तो ये और ये दोनों पैरेलल होंगे, ये मुझे ये बताइए ये इसके पैरेलल है तो ये और ये दोनों इसके पैरेलल हैं, तो साइन लगा लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सही और ज़्यादा समझ में आए, ये मैंने आपके लिए बना दिए हैं। ध्यान देना यहाँ से अपने पास जो क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चंस जो पूछे हैं वो सारे मैं समझा रहा हूँ, कोशिश करना समझने की। ये इसका एल्टीट्यूड बना दीजिए आप लोग, ये इसका एल्टीट्यूड बना दीजिए और ये इसका एल्टीट्यूड बना दीजिए और हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए ये जो हैं सभी वो अपने पास जो थोड़ी देर पहले समझाया साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, ये लाइन इसके पैरेलल, ये देखो ए, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये मान लीजिए सी है। कोशिश करना समझने की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, थोड़ा बेसिक है समझना। ये साइड अगर ए है और ये दोनों पैरेलल हैं और ये साइड बी है तो ये दोनों पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो क्या ए क्यू सी और बी एक समांतर चतुर्भुज बन गया? और ये ए है तो क्या ये ए होगा क्या? हाँ ना कुछ तो बोलो, होगा नहीं होगा, जहाँ पर भी आप लोग बैठे हैं हाँ ना कुछ आप लोग बोलिए, उससे आप लोगों को हमेशा ज़्यादा समझ में आएगा। ये चीज़ मैं पहले से बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार अगर आप लोग साथ साथ बात करते हो, बोलते हो कि सर समझ में आया नहीं आया, इसमें ऐसा हो जाए, तो ये दिमाग में अगर चीज़ें आएंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ये अगर पॉइंट सी है तो ये वाला पॉइंट भी कितना होगा सी, क्योंकि पैरेललोग्राम बन गया। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो क्या बी पी ए और सी एक समांतर चतुर्भुज बन गया क्या? तो ये बी है तो ये भी बी और ये ए, ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, ये सी तो ये भी सी और ये बी है तो ये भी बी। ध्यान देना दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और दो लाइन अगर पैरेलल हों तो अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ये मान लीजिए अपने पास यहाँ पर ऑर्थो सेंटर है तो ये अंतःकोणों का योग, दो लाइन अगर पैरेलल हैं, लाइन पैरेलल ही खींचिए, दो अंत अपने पास लाइन अगर पैरेलल हैं तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, तो ये अगर 90 डिग्री है तो क्या ये भी 90 होगा क्या? क्योंकि लाइन अगर दोनों पैरेलल हैं, ये वाली लाइन, कोशिश करना एक के लिए मैं ऐसा बना देता हूँ ताकि आपको सही समझ में आए, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल का सम 180, ये 90 है तो ये 90 और ये अपने पास इधर भी ए है और इधर भी ए है तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो क्या साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है क्या? पी क्यू के लिए ये एल्टीट्यूड क्या साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो थोड़ी देर पहले समझाया है, इस वीडियो को देखने से पहले जस्ट पहले वाला वीडियो तो कम से कम आप लोग देखिए, क्या अपने पास मिड पॉइंट से अगर एल्टीट्यूड अगर डाल दिया तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा? ऐसे ही इसके लिए ये कोण 90 है, ऐसे जैसे प्रूव कर सकते हैं ये भी 90 है और ये मिड पॉइंट इधर भी बी इधर भी बी, तो मिड पॉइंट पर अगर हम लोग एल्टीट्यूड डालते हैं तो वो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे ये कोण 90 है ये कोण 90 है
तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और मुझे बताइए साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट पर, क्या थोड़ी देर पहले बताया गया कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हमेशा और हमेशा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो क्या ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये सर्कम सेंटर का काम करेगा? और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए अगर सर्कम सेंटर का काम करेगा तो थोड़ी देर पहले मैंने समझा दिया कि ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही जगह इंटरसेक्ट क्यों करते हैं, ये पिछले पॉइंट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो ध्यान रखना, ध्यान दीजिए, वापस से समझ लीजिए कि बड़े वाले ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होगा, इसने कहा कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर बड़े वाले ट्रायंगल के लिए जो सर्कम सेंटर का काम करेगा वही छोटे वाले ट्रायंगल के लिए इन अपने पास ऑर्थो सेंटर का काम करेगा, ये ध्यान रखना। और जो छोटे वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा वही बड़े वाले ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होगा, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा है, अगर आपको इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आगे एक पॉइंट और समझा देता हूं। बाकी इस चीज को आप लोग याद रखना कि इन एल्टीट्यूड जो होंगे वो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेंगे। तो एक चीज तो ध्यान रखना कि पहला पॉइंट कभी भी ये यहां से प्रूव करने से ही आया कि इसके पैरेलल लाइन खींच दी जाए, इसके पैरेलल लाइन खींच दी जाए और इसके पैरेलल लाइन खींच दी जाए, जो चार ट्रायंगल अपने पास बनेंगे चारों के चारों ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि साइड ए बी और सी, 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 चारों ट्रायंगल एस 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 से सर्वांगसम हो गए, और सर्वांगसम हो गए इसका मतलब सब कुछ बराबर। पहला आसान, दूसरा क्वेश्चन और अच्छा क्या पूछा वो मैं बता रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना कभी भी पैरेलल लाइन अगर खींच दी जाए इनके तो हमेशा और हमेशा अपने पास चार जो ट्रायंगल बनेंगे वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे और उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर बराबर होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन पूछा है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें, बड़े वाला ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके पैरेलल लाइन खींच दी जाए, इसके पैरेलल लाइन खींच दी जाए और इसके पैरेलल लाइन खींच दी जाए, और अगर एक ही पॉइंट एक ऐसे मिले जैसे इसके पैरेलल लाइन और इसके पैरेलल लाइन, अब इसके पैरेलल लाइन यहां मिले या यहां मिले तब नहीं, अगर तीनों एक ही पॉइंट पर मिले हैं तो ये जो पैरेलल लाइन खींच दी जाए तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, ए है तो ए होगा, ए अगर है तो ए और ए होगा। फिर समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार वापस से ध्यान दीजिए सभी लोग बोर्ड पर और सीखने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर इस प्रकार से है, एक चीज़ ध्यान रखना, वो इसने क्वेश्चन जो पूछा था अपने पास वो इस प्रकार से पूछा था, एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसका मिड पॉइंट अपने पास मान लीजिए अपने पास एस है, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए टी है और इसका मिड पॉइंट यू है। उसने कहा बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के लिए जो सर्कम सेंटर है वो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए क्या होगा। क्वेश्चन ये था ए बी सी का जो सर्कम सेंटर है वो अगर ओ है या पी, कोई भी पॉइंट एक नाम दे देगा, अगर इसका सर्कम सेंटर पी है, ए बी सी का सर्कम सेंटर अगर पी है तो बताइए वो एस टी यू ट्रायंगल के लिए वो कौन सा सेंटर होगा। तो ध्यान रखना जो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, ये याद रख लो, या तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सर्कम सेंटर बनता कैसे है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर होगा ए बी सी के लिए, ये पॉइंट मान लो उसने पी नाम दिया, जो P पॉइंट है A, B और C के लिए P पॉइंट अगर सर्कम सेंटर है तो ट्रायंगल एस टी यू के लिए ये ऑर्थो सेंटर का काम करेगा, ये लंब केंद्र का काम करेगा, ऑर्थो सेंटर का काम करेगा फॉर ट्रायंगल ए एस टी यू। और ये P जो है वो सर्कम सेंटर का काम करेगा, ये P पॉइंट सर्कम सेंटर का काम करेगा फॉर ट्रायंगल ए बी सी। तो ध्यान रखना जो बड़े वाले ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है, तीनों मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो वही सेंटर छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर का काम करेगा। क्यों, याद रखना, पहले समझा दिया है, पॉइंट बता दिया है, याद रखना बता दिया है, फिर भी मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, पैरेलल होती है तो इसको आगे बढ़ाने पर आगे बढ़ा दिया तो ये कोण अगर 90 डिग्री है तो ये भी अपने पास 90 डिग्री होगा। ऐसे ही क्यों, अंतः कोणों का योग, दो लाइन पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ऐसे ही अपने पास इसको आगे बढ़ाने पर ये कोण अगर 90 डिग्री है और लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये 90 डिग्री है तो ये भी अपने पास 90 डिग्री होगा। ऐसे आगे बढ़ाने पर ये इधर 90 डिग्री अगर है, लाइन पैरेलल है, 90 है तो 90 होगा क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। अब बड़े वाले को अगर मैं एक बार हटा दूँ यहाँ से,
बड़े वाले को अगर हटा दिया जाए तो मुझे बताइए यहाँ से इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण एल्टीट्यूड, यहाँ से 90 डिग्री का कोण एल्टीट्यूड और यहाँ से 90 डिग्री का कोण एल्टीट्यूड, तो छोटे वाले के लिए क्या ये अपने पास ऑर्थो सेंटर का काम कर रहा है क्या? तो जो छोटे वाले के लिए ऑर्थो सेंटर होगा वो बड़े वाले के लिए सरकम सेंटर होगा, और बड़े वाले के लिए जो सरकम सेंटर है वो छोटे वाले के लिए ऑर्थो सेंटर होगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं हम, ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 माइनस ए, 180 माइनस बी और 180 माइनस सी, ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। फिर से ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर और कोशिश करना सीखने की, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ध्यान देना और सीखना। यहाँ से ये साइड चार है, ये साइड पाँच है और ये साइड अगर छः है और यहाँ से डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ हम लोगों से पूछता है। ध्यान रखना एल्टीट्यूड कभी भी सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर नहीं मिलता, मिड पॉइंट पर मीडियन मिलती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मिड पॉइंट पर जो मिलता है वो मीडियन मिलती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मिड पॉइंट ये नहीं होता तो इसका एल्टीट्यूड एडी की अगर लेंथ निकालनी पड़े, और ऐसे आसान आसान क्वेश्चन कई बार आते हैं, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसके एल्टीट्यूड की अगर लेंथ एडी की लेंथ निकालनी पड़े और ये छः अगर है तो इसका तरीका होता है अपने पास करने का, इसको एक्स मान लो और इसको मान लीजिए सिक्स माइनस एक्स, क्योंकि कंप्लीट थी छः। ये इधर वाला x है, इधर वाला 6 माइनस एक्स है, और सभी स्टूडेंट्स को पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, क्योंकि पिछला कम से कम जब तक जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें तीन या चार बार मैं समझा चुका हूँ। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ कि अपने पास इस प्रकार से 90 डिग्री के सामने वाली साइड अगर c है तो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे याद रख लीजिए c के स्क्वायर में से किसी भी 90 डिग्री के पास पास वाली जो दो साइड हैं, 90 डिग्री के सामने वाले साइड हाइपोटेनस या कर्ण, इसके स्क्वायर में से किसी भी एक स्क्वायर साइड का स्क्वायर माइनस करोगे तो दूसरी साइड का स्क्वायर, या सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करोगे तो ए स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाले साइड के स्क्वायर में से दोनों में से किसी भी एक साइड का स्क्वायर माइनस करोगे तो ए स्क्वायर माइनस कर दोगे तो बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस कर दोगे तो ए स्क्वायर। तो कोशिश करना आप लोग समझने की, मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ए डी बी की, मैं कंप्लीट आप लोगों को ऐसे मानकर चल रहा हूँ कि अभी आपको थोड़ी सी चीज़ें कम आती हैं, तो मैं सब कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ट्रायंगल ए डी बी है, 90 डिग्री के सामने कर्ण चार है, तो चार के स्क्वायर में से फोर के स्क्वायर में से अगर हम लोग अक्स स्क्वायर माइनस कर दें तो क्या ए डी स्क्वायर आ जाएगा क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर बराबर फोर का स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और यही चीज़ इधर वाले ट्रायंगल ए डी सी में, मुझे बताइए ट्रायंगल ए डी सी में आप लोग क्या ऐसा लिख सकते हो क्या, 90 डिग्री राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस या कर्ण पाँच है, पाँच के स्क्वायर में से किसी भी इसका स्क्वायर अगर माइनस कर दोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, और पाँच के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दोगे तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ से दूसरा लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर बराबर फाइव का स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट भी ए डी स्क्वायर की वैल्यू है। देखो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो इसलिए मैं सारी चीज़ें लिखता चल रहा हूँ। नोटबुक साथ रखना, मेरा एक ही कंडीशन मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि नोटबुक साथ रखना, और दूसरी कंडीशन जब भी मैं बोलता हूँ समझ में आया या नहीं आया तो एक बार हाँ ना ऐसा कुछ आप लोग बोलिए। इक्वेशन फर्स्ट भी ए डी स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड भी ए डी स्क्वायर की वैल्यू है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आप लोग दोनों को बराबर रख सकते हो क्या? दोनों को बराबर रख सकते हैं, और वहां से अपने पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर रख के अक्स का मान निकाल लीजिए, उस अक्स की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे या इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, और वहां से अपने पास एल्टीट्यूड की लेंथ आ जाएगी, आप लोग ध्यान रखना। तो खुद सोल्व करना है, इसके बाद क्वेश्चन घर पर बैठकर आप लोग अपने आप सोल्व कीजिए कि एल्टीट्यूड की लेंथ हम लोग निकालते कैसे हैं। एक बार फिर कोशिश करना समझने की, वापस मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर, कोशिश करना सीखना। एक पॉइंट इसको मैं एक बार हटा रहा हूँ, बेसिक के लिए ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि इस प्रकार से देखो, यहाँ पर ऐसा कभी भी अगर हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो, एक समकोण त्रिभुज अगर हो, ध्यान रखना ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी,
एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ये वाली साइड मान लीजिए 3 है, ये वाली साइड 4 है और ये वाली साइड 5 है, तो मुझे बताइए क्या ए से डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ पूछ सकता है क्या? एल्टीट्यूड या शीर्षलंब होता क्या है जो सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाए, यहाँ से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन की लेंथ पहले से ही दी हुई है 4, जो साइड देगा वही ए से डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ। क्या सी से डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ पूछ सकता है क्या? नहीं, दी हुई है कितनी 3। कहाँ से? बी से डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ पूछेगा तो वो कहेगा बी डी की लेंथ बताओ, और बी डी की लेंथ अगर पूछ ले तो ये 5 अगर है तो नीचे वाले को अगर हम लोग अक्स माने तो ऊपर वाला ये जो होगा वो क्या 5 माइनस एक्स होना है क्या? नीचे वाला अगर एक्स है तो क्या ऊपर वाले की वैल्यू 5 माइनस एक्स होनी है क्या? और हम लोग ट्रायंगल में यहाँ पर इस ट्रायंगल में बी, इस पॉइंट को डी मान लो, बी डी सी में, ट्रायंगल बी डी सी में मुझे बताओ 90 डिग्री के सामने, ये राइट एंगल है, बी डी सी की बात कर रहा हूँ, अब इतने ही ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये राइट एंगल के सामने 3 है, 3 के स्क्वायर में से किसी भी साइड का स्क्वायर माइनस करोगे, 3 के स्क्वायर में से किसी भी साइड का स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो अपने पास बी डी स्क्वायर आ जाएगा, 3 के स्क्वायर में से एक्स का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, तो बी डी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ऊपर वाले ट्रायंगल ए डी बी में, ट्रायंगल ए डी बी में अपने पास 90 डिग्री के सामने कर्ण 4 है तो क्या लिख सकते हैं क्या कि बी डी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में आप लोगों को पता है कि अपने पास ये साइड ए, ये बी और ये सी, तो सी के स्क्वायर में से किसी भी एक साइड का स्क्वायर माइनस करोगे तो दूसरी साइड का स्क्वायर आ जाएगा। तो दो ट्रायंगल अलग अलग में 3 के स्क्वायर में से एक्स का स्क्वायर माइनस किया तो बी डी स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने 4 के स्क्वायर में से 5 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस करोगे तो अपने पास ये जो आ जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस करोगे तो बी डी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट भी बी डी स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन सेकेंड भी बी डी स्क्वायर की वैल्यू है, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डायरेक्ट तरीका क्या होगा वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमेशा ध्यान रखना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन है, फॉर्मूला रट लिया, याद हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं, आपको बेसिक अगर आएगा तो आपका सिलेक्शन हमेशा जल्दी होगा, और ये बेसिक समझाने के लिए ही मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ, और कंप्लीट आपको ज्योमेट्री मेंचुरेशन सारी चीज़ें मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अपने पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अपने पास 4 का स्क्वायर 16 और a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो प्लस के थे वो दोनों माइनस के, और माइनस का था प्लस का, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये 18 अगर इधर आएगा इक्वल्स टू 10x है तो जो एक्स की वैल्यू आई वो आ गया अपने पास 1.8। और ऐसे जो मान आए पिछले में मैंने इतना ही करके छोड़ दिया था, आगे आप लोगों को सोल्व करना है, और ऐसे जो वैल्यू आए उसको या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए, और फर्स्ट में अगर हम लोग पुट करें तो बी डी स्क्वायर बराबर अपने पास 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1.8 का स्क्वायर होता है 3.24, तो बी डी स्क्वायर बराबर अपने पास आ जाएगा 5.76, और बी डी स्क्वायर बराबर 5.76 है तो बी डी की लेंथ आ जाएगी 2.4। ये अपना आंसर है, बेसिक तरीका, और बेसिक तरीका हमेशा आना चाहिए। दो इक्वेशन बनाई, बराबर करके एक्स की वैल्यू निकाल ली, उसको या तो फर्स्ट में पुट कर देना या सेकेंड में पुट कर देना, आंसर दोनों से सेम ही आना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा तरीका क्या होता है कि एल्टीट्यूड की लेंथ अगर कभी भी आप लोगों को निकालनी है, बी डी अगर लेंथ निकालनी है, तो दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है सॉरी ए बी और बी सी का इंटू कर दीजिए और कर्ण ए सी का भाग दे दीजिए। अपने पास एल्टीट्यूड निकालने का दूसरा तरीका हो सकता है कि ए बी और ए सी का हमेशा इंटू बेस और हाइट का इंटू करके हाइपोटेनस से डिवाइड कर देना आप लोग, तो भी अपने पास यहाँ पर ही आ जाएगा बी डी की लेंथ। तो अपने पास 3 और 4 को गुना करके और भाग दे दो 5 से तो अपने पास लेंथ आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो भी 2.4। ये अपना आंसर है, ये अपना डायरेक्ट तरीका है और ये बेसिक है। बेसिक मैं हमेशा आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना, और डायरेक्ट तरीका आप लोग ऐसे एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल लोगे। मैं फिर समझाता हूँ, एल्टीट्यूड की जो लेंथ है ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हर चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान देना, यहाँ समझा देता हूँ, आपने अपनी नोटबुक में ये चीज़ें लिख ली होंगी।
सही में अगर आपको लगता है कि मुझे यूट्यूब से मैं पढ़ूं और ज्योमेट्री समझ में आ जाए, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप लोग साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखते चलिए। देखो आप लोग ध्यान दो, ये वाली साइड अगर ए है, ये वाली साइड बी है, और ये वाली साइड सी है, और यहाँ पर एल्टीट्यूड की लेंथ मान लीजिए एक बार मैं पी मान रहा हूँ, तो मुझे बताइए बेस और हाइट, कोई सा भी बेस जो आपका मन आए वो बेस ले सकते हो, लेकिन हाइट वो लेनी पड़ेगी जो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाए। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या हाफ इंटू ए इंटू बी है क्या? बेस ये ले लोगे तो ये हाइट, बेस अगर सी ले ली तो हाइट लेनी पड़ेगी जो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाए, तो बेस अगर सी ले लोगे तो हाइट लेनी पड़ेगी पी, और एरिया तो किधर से भी निकाल लो एक ट्राइंगल का, चाहे ये बेस ये हाइट या ये बेस ये हाइट लेकर निकाल लो, एरिया तो एक ट्राइंगल का किधर से भी निकाल लो बराबर होना चाहिए, हाफ से हाफ कट जाएगा, और पी की जो लेंथ है वो क्या ए इंटू बी अपॉन सी आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, ध्यान रखना पिछले वीडियो में सर समझाया था आपने, इस वीडियो में ये बता रहे हो कि अपने पास ए बी और सी, अपने पास ये तीन है, ये चार है और ये पाँच है, यहाँ से एल्टीट्यूड की लेंथ डाल दी जाए, तो अब की बार तो इसकी लेंथ बता रहे हो बी डी की लेंथ 2.4। और पिछले क्वेश्चन में कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे क्योंकि क्लास में मुझसे पूछते हैं, इसलिए मुझे चीज़ें पता है कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ कन्फ्यूज होता है, तो वहाँ तो यहाँ तो आ गया 2.4, और पिछले क्वेश्चन में बी डी की जो लेंथ बताई थी यहाँ से मिड पॉइंट को मिला दें, तो आप लोग ध्यान रखो इसकी लेंथ आ गई कर्ण की आधी, हाइपोटेनस की हाफ, कारण क्या आधी यानी कि 5 का आधा 2.5। तो ध्यान रखो एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल में बी से एल्टीट्यूड, क्योंकि दोनों जगह डी ले लिया मैंने, क्योंकि एग्जाम में डी पॉइंट ही आता है लगभग, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हो, तो मैंने डी पॉइंट लेकर ही दोनों साथ बता दिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था मिड पॉइंट अगर डाल दिया जाए, मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो होती है 2.4, और यहाँ पर अगर कभी कहे कि एल्टीट्यूड की लेंथ अगर डाली जाए, बी डी एल्टीट्यूड अगर है 90 डिग्री का कोण अगर बनाए बी डी, तो उसकी लेंथ होती है 2.4, इसको आप लोग समझ लेना। नेक्स्ट पॉइंट फिर समझते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पर आइए। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना, एक तो मिड पॉइंट तो 2.5, एल्टीट्यूड तो 2.4। अपनी जहां पर भी आपने नोटबुक रख रखी है उसमें आप लोग लिख लीजिए पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कहां पर बनेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहाँ बनेगा, राइट में कहाँ बनेगा, और ऑब्ट्यूज में कहाँ बनेगा, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे आपको पता है हमेशा और हमेशा एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, न्यून कोण त्रिभुज में कोई भी ज़्यादा आपको दिमाग, क्योंकि मुझे राइट एंगल ट्रायंगल समझाना है तो उसको छोड़कर बाकी साथ साथ मैं बता देता हूँ, क्योंकि फिर स्टूडेंट को लगता है कि सर इसमें कहाँ बनेगा इसमें कहाँ बनेगा, तो ये मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है। समकोण त्रिभुज है, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है अपने पास वो राइट एंगल ट्रायंगल है, इम्पॉर्टेंट समकोण त्रिभुज है, और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इस वर्टेक्स से कोशिश करो समझने की, इस वर्टेक्स से क्या एक और ऐसी लाइन खींची जा सकती है क्या जो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाए? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है जो 90 डिग्री का कोण बना रही है। इस वर्टेक्स सी से कोशिश करो समझने की क्या एक और लाइन खींची जा सकती है कि जो 90 डिग्री का कोण बनाए? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही लाइन हो सकती है जो 90 डिग्री का कोण बनाए, और यहाँ से लाइन होगी जो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये तीनों जहाँ पर मिलती हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर उस वर्टेक्स पर बनता है जहाँ पर 90 डिग्री का कोण हो, उस शीर्ष पर बनता है जहाँ पर राइट एंगल हो, ये ध्यान रखना। एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राइट एंगल ट्रायंगल में बताइए ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, अंदर बनेगा बाहर बनेगा, उस वर्टेक्स बनेगा जहां 90 डिग्री का कोण हो, या एक अपने पास और दे देगा कोई भी, चार ऑप्शन तो वो बना देगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर उस वर्टेक्स पर बनता है जहां 90 डिग्री का कोण हो। और अगर ऑब्ट्यूज की मैं बात करूं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की अगर बात की जाए, ये एंगल ट्रायंगल आप लोग खुद लिख लेना क्योंकि हम लोग ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगा रहे, अधिक कोण त्रिभुज यहां से इस प्रकार से, क्या आप लोग मुझे बताइए ए बी और सी,
एक अधिक कोण त्रिभुज है, ए बी सी एक अधिक कोण त्रिभुज है, और यहाँ पर इसको आगे बढ़ाने पर क्या, आप लोग पहले तो मुझे ये बताओ क्या यहाँ से ऐसी कोई लाइन खींची जा सकती है क्या जो इस पर 90 डिग्री का कोण बनाए? नहीं खींची जा सकती, सिर्फ और सिर्फ अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन इससे बाहर होगी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट जो होती है वो उससे बाहर होती है, यहाँ से भी नहीं खींच सकते। इसको आगे बढ़ाने पर अपने पास 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये होगी, और यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये होगी, और इनको पीछे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी एसएससी ने पूछा था 2013 में, ये आप लोग ध्यान रखना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बनता है अंदर की तरफ, राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है उस वर्टेक्स पर जहां 90 डिग्री का कोण हो, जबकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें निकल जाता है बाहर। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र के बारे में। इस वीडियो को एक बार आप लोगों ने अगर नोटबुक में लिख लिया है तो नोटबुक चेक करते टाइम एक बार फिर से लिखिए और फिर से उसको पढ़िए। बाकी की चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ेंगे, अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो अगले लेसन में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कॉन्ग्रेंस, पहले ये चारों जो सेंटर्स मैंने पढ़ाए हैं इनको एक साथ करके इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं या इनका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें मैं एक ही उसमें बताऊंगा एक वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में चारों सेंटर्स में एक ही साथ पढ़ाऊंगा। किसी स्टूडेंट के अगर मिक्स हो गए और बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ क्लास में भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि सर ये अलग अलग पढ़ लिए लेकिन साथ देखते हैं तो मिक्स हो जाते हैं, तो चारों सेंटर्स को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। और अपने पास ये भी हम लोग उस क्वेश्चन जो अगला वीडियो होगा उसमें प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि इन सेंटर व सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला 2r × r कैसे बना, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। ओके, थैंक यू।